देखो शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है तो दिग्विजय सिंह को दिक्कत होगी ही, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह शांति दूत जाकिर नायक को मानते हैं और वो चाहते हैं कि आईएसआई में किसी को शांति पुरस्कार मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो गीता छापती है। पीएफआई को मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिले क्योंकि वो रामायण छापती है, वो धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के ग्रंथ छापती है, इसलिए इनको शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, जाकिर नायक जी को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है, सनातन का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की, एक ऐसा व्यक्ति 35 से और लद्दाख को आजाद किया, ट्रिपल तलाक लाया, सीएए लाए, रात दिन मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राण पण से भारत माता की सेवा में लगा है, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट आ गए। सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है, तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर ले। एक बड़ा नेता उसमें भी नहीं दिखेगा, मैं पहले से एडवांस आपको बता रहा हूं। न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जो ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। कांग्रेस वालों आज तो आपकी चलिए ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी की, समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कभी ऑटोग्राफ मांगना, कभी रेड कारपेट बिछाकर अमेरिका में, और वास्तव में वो दृश्य जब आ रहा था सामने, और एक वो थे आपके नेता जो विदेश गए कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया। और एक मोदी जी है जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं और इस जल